IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं यति आपके साथ। जमुई के लछवाड़ का मामला पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दुर्गा रूप धारण कर हाथों में तलवार लिए पुलिस वालों को जाने के लिए कह रही है। शांति काट गया ना, जेल भेज देंगे, मर्डर केस में चल जाओगे। हम जाएंगे, मेरे घर में मर्डर नहीं है, कान भेजा है, कान कान। शांति रहिए, शांति रहिए आप। अरे 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 महिला की तलाश कर ली गई है। महिला जमुई जिले की रहने वाली है। महिला को शराब बेचने के आरोप में पुलिस वालों ने अरेस्ट भी कर लिया है। दरअसल पुलिस वालों को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस वाहन निरीक्षण के लिए गई, पर जैसे ही महिला को इस बात की भनक मिली, वो पुलिस वालों को डराते हुए माता का रूप धारण कर बोलती रही, चले जाओ चले जाओ। आप खुद देखिए इस वीडियो में कैसे महिला पुलिस वालों को डराने की कोशिश कर रही है। काट गया ना, जेल भेज देंगे, मर्डर केस में चल जाओगे। हम जाएंगे, मेरा घर में मर्डर नहीं है, कान भेजा है, कान कान, इसका नाम भेजाइए। इसका ले चलो पहले, इसको दारू उठाइए, दारू उठाइए। चलिए रहना है अंदर में, दीजिए अरे घर ढिकिया, अरे निकालिए घर से, अरे निकालिए, ए माँ ना निकालिए, अरे निकालिए, अरे निकालिए, अरे निकालिए, अदम निकालिए, चलिए मेरा घर निकालिए। अरे बाबू इसको समझाओ पहले। अरे तू शांति रहो ना बाबू, कुछ नहीं होगा, शांति रहिए आप। मेरा मर्दान है, हम सब पर मुंह धो रहे थे, अब इसे धोती देंगे। हाँ हाँ ठीक है, दारू बना, शांति रहो ना। अब कौन सी समझाओ ना इसको, अब चोरी छिनर पर कहाँ है, दारू बेच, चोरी छिनर पर कहाँ, अब कौन सी करेंगे, आप पेपर दे क्या करके मार बाप किया, मेरा बेटी जमान है, मेरा बेटा जमान है। अच्छा ठीक है, तो काम होगा बाबू, शांति रहिए आप। हाँ शांति रहिए, शांति रहिए आप। अरे 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 मर्डर केस में, मर्डर केस में सब चल जाएगी जेल में, कुछ नहीं है लेकिन मर्डर, मर्डर केस में भी चल जाएगी, सब जेल में चल जाएगी। तुम मेरा बेटी जमाना है, तो बेटी जमाना तो क्या होगी, अरे हम क्या बाप बोल रहे हैं, आपके माँ बाप क्या किए हैं, आज सरकार भर्ती दे दिया, मेरे नौकरी दिया, मेरे मर्दाने बाहर में रहते हैं, हम क्या करके, हम चोरी छिनर पर कर रहे हैं, हम मुड़ी काट रहे हैं, अरे छोड़ दो, फोन लगाइए। तो देखा आपने, हालांकि ये ड्रामा तकरीबन डेढ़ घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गौरतलब ये है कि वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी वालों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है। सुन दिखाए थे देखने, दूसरे चीज से शहर से हम ऊपर आ गए थे। क्या आ गया था, देवी देवता था, देवी देवता आ गया था, आप दुर्गा बन गए थे हैं? सीरियल टीवी देखते हैं कभी कभी, हो जाता गलती, सीरियल देखने से हो गया ना, आप लोग नहीं देखते हैं सर, हाँ। गलती से हो गया था। अच्छा, अच्छा। गलती से हो गया, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नहीं नहीं, क्या नाम है, क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। पति का नाम? सुमन। अच्छा, उस वक्त कैसा लग रहा था आपको, जो आप प्रशासन को देख करके आप तलवार त्रिशूल निकाले, तो कैसा लगा आपको? दिमाग ने काम किया। अच्छा, क्या महसूस हो रहा था? एकदम लगा कि जिसे को देह पर सवार है। अच्छा, आप पुलिस को भी मारे थे तलवार उठा? नहीं नहीं, खाली ऐसे घुरा रहे थे, मैं मारे। इससे पहले भी कभी तलवार निकाले आप? कभी नहीं। त्रिशूल कहाँ से लाए हैं, बहुत सुंदर त्रिशूल। त्रिशूल मंदिर से क्यों निकाला है, देखिए मंदिर है, बनाइले रखते हैं, जखने दिमागे नहीं काम किया कि हम निकाल लिए, जुतवा पहनने जब हेल गए ना अति खोजने के, घर में तलवार भी रखते हैं, अति दोनों चीज में रखते हैं। ठीक, फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर वन बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया।
आज हमारी कंपनी भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशा जी बंगाली। बाबा पाशा जी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं, बाबा पाशा जी बंगाली।